बड़ी आई मेरे घर में करेले बनाने। आइंदा की बात दस तरासी करने का सोचना भी मत। तुम्हारी उम्र और रिश्ते का लिहाज रखा है मैंने। आज सिर्फ गर्दन पकड़िए, अगली बार जान से मार दूंगी। रिश्ते बदलते हैं दिलों के, रंग बदल जाते हैं। तेरी माँ भी ना तेरी तरह जिद्दी थी, उसने भी अपनी पसंद से शादी की थी और उसके घर वालों ने उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं किया। कौन है ये लड़की, किसे उठाकर घर में ले आयो? फायका बेगम जरा तमीज से बात कीजिए। तमीज गई भाड़ में, इसे अभी और इसी वक्त यहाँ से निकालो। ये आयजा है मॉम, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। मैं इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी। और देखें, अगर आपको हर चीज से मसला है ना, तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए अपने भाई के यहाँ शिफ्ट हो जाएं। तुमने नवीन को कॉल करनी है या नहीं? Just give me the goddamn answer. अगर आप उनकी एक शर्त भी नहीं मान रहे तो बात करने का क्या फायदा? क्यों ना हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को सदियों की तरह गुजारे। वो कैसे? क्यों ना आप और मैं कहीं ऐसी जगह चले जहां हमारे अलावा और कोई ना हो। और अभी तक तो तुमने उसके चुटकुले नहीं सुने, हंस हंस के पेट में बल पड़ जाता। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। खैरियत? I'm good. How are you, बाबा? मुझे लगता है कि तुम दोनों को बात करने की जरूरत है, तो इससे बेहतर कोई वक्त हो ही नहीं सकता। मैं कमरे में। सारा कितना वक्त लगाओगी ये पूछने में कि मैं कब से तुम्हारे बाबा पे डोरे डाल रही थी? इतनी हैरानगी से मुझे मत देखो, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं मैं। तुम्हारी आंखों में ये सवाल बहुत पहले ही देख लिया था मैंने, मगर अफसोस कि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कभी समझा ही नहीं। एग्जैक्टली इसी बात का तो अफसोस है मुझे आयशा मम्मी। अगर समझ लेती तो एटलीस्ट अपने बाबा पे नजर रख लेती। लेकिन फिक्र मत करो, इससे आगे मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी। इससे आगे मैं क्या करूंगी सारा? हर उस चीज पर कब्जा करना चाहती हो जिस पर मेरा और इमाद भाई का हक है। और ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तुम जैसी शातिर लड़की ही जाने। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। लेट सपोज आजाद तुम्हारे बाबा नहीं होते, लेट सपोज कि मैंने किसी और अपनी उम्र से बड़े इंसान से शादी की होती, तो क्या तब भी तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होता? तुम इतनी नफरत करती मुझसे? हम सिर्फ दो दिन पहले मिले थे सारा, और हमें मिलते ही अंदाजा हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरे सामने ऐसी बातें करते हुए। लेट सपोज मेरे बाबा अमीर ना होते तो तब भी तुम्हें यही लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? पता नहीं तुम्हें कितना वक्त लगेगा ये समझने में कि मैं गलत नहीं थी। लेकिन जब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम गलत थी, तब अफसोस भी तुम्हें ही होगा कि तुमने मुझे समझने में बहुत देर कर दी। आयजा बेहतर होगा कि तुम ये घर छोड़कर खुद चले जाओ। ट्रस्ट मी, इस घर में कोई नहीं चाहता कि तुम यहां एक पल भी रुको। अरे किधर जा रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बताओ सारा से बात हो गई? डिनर में क्या बनाऊं? अच्छा, तो उसका मतलब है उसकी शिकायत अभी तक खत्म नहीं हुई। हो जाएगी। कितनी अजीब बात है ना
मैं इतने टाइम से इस घर में हूँ, मुझे आपकी पसंद नापसंद पता ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कभी पूछने की जहमत ही नहीं की। वैसे सच बताओ, मुझे वो सब पसंद है जो तुम्हें पसंद है, और जो तुम्हें ना पसंद है ना, वो मुझे भी ना पसंद है। अच्छा जी, तो मुझे करेले बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे इत्तेफाक की बात है, लेकिन इस घर में ना करेले कोई खाता ही नहीं है सिवाय मेरे। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? कसम। अच्छा, अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो क्या नाम है? नसीमा से। वैसे नाम तो मैं बड़े जल्दी याद हो जाते हैं। मैं इस बात पे नहीं हंस रही हूँ कि मैंने आपको गलत जज किया है। तो फिर? इस बात पे हंस रही हूँ कि मुझे करेले बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, तुम्हारी बेहुदा हंसी और बातों की आवाज मेरी बेटी के कमरे तक जा रही है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या मतलब? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। यहां हमारे कमरे में क्यों आई हो? दूसरों के काम में क्यों दखल देती हो? और यही घिसा पिटा डायलॉग तुमने अपने बेटे से कहा था जब वो नई नई दुल्हन को लाया था, और आज तुमने उनकी खुशी को मातम में बदल दिया है ना। लेकिन मैं अपने बेटे के लिए मिसाल बनूंगा और उसे समझाऊंगा कि शादी के बाद अगर खुश रहना है तो तुम जैसी औरतों को इग्नोर ही करना चाहिए। अब जाओ यहां से। मैं चेंज हुई। कर दिया। जाओ जाओ, शाबाश। भूख लग रही है, क्या बनाया आज खाने में? करेले? ये मेरे डाइनिंग टेबल पर करेले क्या कर रहे हैं? किसने बनाया ये? वो बेगम साहिबा, दरअसल मैं ना। बताओ किसने बनाए? मैंने बनाए करेले, आजाद को बहुत पसंद है ना, इसलिए। नहीं, औकात में हो लड़की। आइंदा मेरे किचन में घुसने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी, समझे तुम? सॉस लेके। बड़ी आई मेरे घर में करेले बना। आइंदा की बात दस्तरासी करने का सोचना भी मत। तुम्हारी उम्र और रिश्ते का लिहाज रखा है मैंने, आज सिर्फ गर्दन पकड़ी है, अगली बार जान से मार दूंगी। तुम्हारे इस घर में हुकूमत नाफिज करने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। इस घर की हुकूमत तुम्हें ही मुबारक हो, लेकिन आजाद के साथ खुश रहना चाहती हूं मैं। रहने दूंगी तो तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, नहीं तो फारिग कर दूंगी। मुझे अपनी तरह होने पे मजबूर मत करो, नहीं तो यकीन करो तुमसे बहुत अच्छी सियासत मैं खेल सकती हूं, आजमाना चाहती हूं, आजमाना। लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि मुझे आजमाने की कोशिश मत करना, नेवर।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी मेरे हाथों का बना खाना खाएंगे। भाई मैंने सुना है आज मेरे पसंद का सालन बना है। ऐसा ही है, पसंद का सालन बना था ना? जी ऐसा ही है, बैठे ना प्लीज। वो एक्चुअली आपकी पसंद का सालन बना था लेकिन नमक ज्यादा हो गया इसलिए फेंक दिया। फेंक क्यों दिया? मतलब है पहली बार तुमने कुछ बनाया और सालन में अगर नमक ज्यादा पड़ भी गया था तो फिर भी खा लेता, मतलब तुम्हारा नमक चखना तो वैसे ही हलाल है। वैसे बीफ के सालन में भी नमक ज्यादा हो गया है, वो भी खा सकते। ये इश्क मिजाजी अगर आप लोग अपने कमरे तक महदूद रखें तो सबके लिए बेहतर होगा। और यही इश्क मिजाजी अगर तुम कमरे तक महदूद ना रखते ना तो शायद आज तुम्हारी बीवी हमारे साथ खाना खा रही होती। लो जी, शायद भूख नहीं लगी होगी। सारा तुम कुछ लो ना, मैं डाल दूं तुम्हें। सारा बेटा बैठो। देखो आयजा को तुमसे ये शिकवा है कि तुम इसे समझ नहीं पा रही, और अगर यही शिकवा मैं करूं कि तुम अपने डैड को नहीं समझती तो लो लो बिस्मिल्लाह खाना खाओ। मैं डाल के देता हूँ। अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये तुमने अच्छा नहीं किया आजाद, ना कभी प्यार दिया ना इज्जत, और अब मेरा मान भी तोड़ दिया। अपने घर को देखा ना बच्चों को, देखा तो सिर्फ अपने आप को। उसे बदला लेने के लिए तुम कुछ भी कर लेते लेकिन ये ना करते। अगर अब मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बर्बाद करने का। आजाद हुसैन, मैं तुमसे ऐसा इंतकाम लूंगी, ऐसा इंतकाम लूंगी कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। ये मेरा वादा है तुमसे। बैठी तैयार है? अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं जगा? मैंने नाश्ते का नसीमा को कह दिया है मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और वो मैं मिस नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। यार मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। क्या? कि मिसेज आजाद हुसैन यूनिवर्सिटी भी जाती है। यार मैंने इतने अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए थे। क्या प्लान था आपका? बैठो, दो मिनट बैठ तो जाओ। आजाद मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी बताइए।
देखो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें दफ्तर ले जाता, वहां सबसे तारुफ कराता, भाई आई वॉन्ट टू शो यू ऑफ, और उसके बाद कहीं अच्छा लंच खाते, और फिर तुम्हारी नानी माँ से तुम्हें मिलना था। तो इस प्लान को थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। पहले मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी, वहां से फ्री होके आऊंगी आपके ऑफिस, और फिर हम चलेंगे नानी के घर, कैसा? अच्छा चलो जैसे तुम्हें खुशी हो। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे आप कैसे जाओगी, गाड़ी तो आती है ना तुम्हें? हाँ आती है गाड़ी चलाने, सारा ने मुझे सिखाई थी। अच्छा चलो अच्छी बात है, तो मेरी गाड़ी ले जाना। आप ऑफिस कैसे जाएंगे? अरे यार मेरी फिक्र मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा, तुम बस सही सलामत पहुंचना, और पहुंचने के साथ ही कॉल कर देना। चलें ठीक है, थैंक यू, बाय। हाय। सारा ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। कीज तो भूल ही गई गाड़ी की। जी मामा मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूं। जी जी नवीन, कैन वी टॉक? नो नवीन प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मामा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सारा ने आपको बता दिया होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। नवीन देखो मेरे घर में एक अजीब सी बात हो गई है, डैड ने दूसरी शादी कर ली है, और वो भी किसी यंग लड़की से, और वो यंग लड़की सारा की बेस्ट फ्रेंड निकली। तो इस सब से मेरा क्या ताल्लुक है? तुम्हारा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मामा बहुत हर्ट हुई हैं, और इस सूरत में हम उनको अकेले छोड़ के चले जाएं तो वो अकेली रह जाएंगी। तो ठीक है तुम रहो अपनी मामा के साथ, मैं अपने पेरेंट्स के घर में बहुत खुश हूँ। नवीन प्लीज, नवीन इन सबसे हमारा घर टूट जाएगा, तुम्हें पता है ना? आई डोंट केयर। इसको क्या हुआ? नाराज है। नाराज और तुमसे? इम्पॉसिबल, तुम दोनों एक दूसरे से कभी नाराज नहीं हुए। कोई गलत फहमी होगी फिर शायद, मैं भी देखती हूँ कब तक नाराज रहती है। सारा मैं बुरी हूँ, ये तुम्हारी गलत फहमी भी तो हो सकती है। मुझे तुम्हारे बारे में कोई गलत फहमी नहीं है, मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक गोल्ड डिगर हो। पता नहीं कब से मेरे डैड को ट्रैप कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारे डैड हैं तो यकीन करो तुम्हारी मर्जी जाने बगैर मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं करती। तो अब जान लो मेरी मर्जी, मैं नहीं चाहती तुम मेरे डैड की सो कॉल्ड बीवी बनी रहो, डाइवोर्स ले लो। नहीं तुम क्यों लोगी डाइवोर्स, तुम्हें तो वो सब कुछ मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, घर गाड़ी स्टेटस बंगला, तुमने क्यों लेनी है डाइवोर्स? और अब तुम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए मेरे डैड के मरने का इंतजार करोगी, या फिर इससे पहले ही उनको हम सबके खिलाफ करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लोगी, राइट? 4 साल की दोस्ती के बाद तुमने ये जाना है मुझे, अफसोस। वैसे मुझे भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी ये सोच होगी मेरे। मैं 4 साल की दोस्ती में ये जान पाई हूँ कि तुम हमेशा से गोल्ड डिगर रही हो,
लेकिन मेरे ही घर में डाका डाल दो कि ये मैं कभी नहीं जानती थी। नाउ प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, ना यहां पर ना घर पर। सारा अरे क्या कहूं यार, पिछले कुछ दिनों से तो मेरी लाइफ खत्म हो के रह गई है। बहुत मनाने की कोशिश की है नवीन को, शी डजंट लिसन टू मी मैन। अरे वो मेरी कॉल्स ही नहीं अटेंड कर रही है, सारा के जरिए बात करनी पड़ती है। आज तो मैं फाइनली उसके घर पहुंचा, उसने साफ साफ इनकार कर दिया, साफ साफ बता दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए। दैट्स इट यार, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की है उसे, लगता है उसने मेरे लिए अपना दिल सख्त कर दिया है। किसी ने सच कहा था यार, इतनी ऐश और आराम वाली जिंदगी के बावजूद अगर दिल ना लगे किसी चीज के साथ तो लाइफ यूजलेस है। खैर तुम बताओ यार, तुम्हारी लाइफ कैसी गुजर रही है? मेरी लाइफ में तो सिर्फ नवीन ही रह गई है। I'm sorry. Please, मुझे गलती से हो गया। I'm sorry. मैंने आपके सारे कपड़े खराब कर दिए। I'm sorry, please. It's all right. It's okay. रायन, मैं बाद में बात करता हूँ। आप एक मिनट दे, मैं आपकी शर्ट साफ कर देती हूँ। I'm sorry, please. मैं साफ कर देती हूँ अभी। देखिए मैंने कहा ना, it's all right. मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, I swear. आपकी शर्ट इतनी कीमती है और मैं इसके लिए पे भी नहीं कर सकती। I'm sorry. मामा प्लीज मेरी सिचुएशन समझे। आपको बस इतना एक्ट करना है कि आपको एस्मा का अटैक आया और आपका जो इनहेलर है वो मेरे रूम में और मेरा रूम लॉक है। मामा वो आ जाएगा प्लीज, बस आप समझ जाए ना। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। ठीक है मामा, वो आ रहे मामा, मैं कुछ भी करके आपके पास आती हूँ, प्लीज परेशान मत हो। मैं अभी आ रही हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है मामा, मैं आती हूँ, आप परेशान मत हो। एक्सक्यूज मी, कोई इमरजेंसी है क्या? मेरी मामा की तबीयत खराब हो गई है, उनका जो इनहेलर है वो मेरे रूम में और मेरा रूम लॉक है और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं घर नहीं जा पा रही और नेटवर्क को पता नहीं क्या हो गया। मैं कैब करवा रही हूँ, कैब भी नहीं हो रही है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है इस टाइम पे। अरे तो कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाएं आप। I'll be so grateful to you. मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। Hey, it's all right, कोई बात नहीं, आप जल्दी आइए, आइए जल्दी आ जाएं। आप मुझे बस गाइड करती जाएं, मैं सही जा रहा हूँ ना? जी बस मुझे फेज 6 जाना है। ओ माय गॉड, मैं कितनी बुरी हूँ, अगर मम्मा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे जस्ट रिलैक्स, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ये मेरी ही मिस्टेक है, मैं मम्मा का इनहेलर लेकर आई थी कल और मैंने अपने रूम में ही छोड़ दिया और उनको देना भूल गई। आप प्लीज खुदा पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ प्लीज, यहाँ ये है मेरा घर। लेफ्ट जाना है यहाँ से? जी जी लेफ्ट ले लें। मम्मा मैं आ गई हूँ। मम्मा कुछ नहीं होगा आपको, मैं एक मिनट अभी आपका इनहेलर लेकर आ रही हूँ। मम्मा मैं ले आई आपका इनहेलर, ये ले मम्मी। मम्मा खुद को संभालें, कुछ भी नहीं होगा। आई मैं आपको कमरे में लेकर चलती हूँ।
चले चले। जी राय साहब, तो कौन से रंग अवेलेबल है? अच्छा, ब्लैक और ग्रे, ठीक है। दो मिनट आप होल्ड कर सकते हैं, लाइन पे रहिएगा। जी जी, बस दो मिनट। जी थैंक यू, थैंक यू, आप जा सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप ज्यादा बिजी नहीं है तो आपके कीमती वक्त के दो मिनट ले सकता हूँ? मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा आप ही का तो है। चले, मैं आपको कुछ कलर्स का चॉइस दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपका सबसे फेवरेट रंग कौन सा है। तो चॉइसेस हैं व्हाइट, रेड, ब्लैक, ऑरेंज और ग्रे। आप मेरे लिए गाड़ी ऑर्डर कर रहे हैं? यार दैट्स नॉट फेयर यार, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। तो पता चल ही जाता है, मतलब ये सारे कलर्स तो गाड़ियों के ही होते हैं। अच्छा, तो फिर भी बता तो दें। और सरप्राइज मैं तब होंगी जब आप मेरा फेवरेट कलर खुद ही गेस करें। अच्छा, चैलेंज। तो आपका फेवरेट कलर यकीनन ग्रे ही होगा। आपको कैसे पता चला? फाइनली आई एम सरप्राइज्ड। जबरदस्त। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। अरे माजरत राज भाई, वो ग्रे गाड़ी डन कर ले फिर। जी जी, ओके जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हाँ, वो जरा मलाइका को दोबारा अंदर भेजेंगे प्लीज? जी थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मे आई सी मिस्टर आजाद हुसैन? जी मैम, आपका नाम? मिसेस आजाद हुसैन। जी, इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली यस, टेल हिम आई एम हियर। बल्कि उनका ऑफिस किस तरफ है? उस तरफ। कम विद मी। मैं इनका तारुफ आप सबसे करवाना चाहता हूं। ये है मेरी नई अहलिया मिसेस आयजा आजाद हुसैन, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर लेंगी। बस अपना एमबीए खत्म कर रही, एंड आई एम श्योर कि शी विल बी अ ग्रेट एसेट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। और हम आप सबको कोई पार्टी नहीं दे रहे, है ना? क्यों भाई? तो वो बोले ना जो ये लोग सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ, जरूर। और इसी खुशी में इंशाल्लाह दिस वीकेंड आप सबके लिए हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा डिनर किसी अच्छे 5-स्टार होटल में। थैंक यू जी, प्लीज तशरीफ रखिए। ऐसे क्या देख रही है, कॉफी आ रही है आप? ये तो बताएं हमारा छोटा सा दफ्तर कैसा लगा? अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, मैं यहां पहले आ चुकी हूं। रियली? कब? आई गेस 2 साल पहले, बट आप यहां नहीं थे, सारा के साथ आई। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सारा से तो तुम्हारी पुरानी दोस्ती है। जी, कॉलेज के टाइम की। अफसोस, फिर भी वो आपको समझ नहीं पाई। एक बात पूछूं, अगर आपको ये पता होता कि मैं सारा की फ्रेंड हूं तो क्या आप मुझसे शादी करते? पहले ही दिन भाग जाता। मैं भी ऐसा ही करती, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं सारा को कैसे समझाऊं कि आई एम नॉट अ गोल्ड डिगर। आयजा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो ही जाएगा।
और एक और बात, मैं शायद इस ऑफिस में नहीं काम कर सकूंगी कभी भी। क्यों? क्योंकि सारा ये नहीं चाहती।